हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे Amazon प्राइम पर रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है सी यू सून। ये मूवी एक मलयालम मूवी है जिसकी ओवरऑल लेंथ करीब 1 घंटे 38 मिनट की है। इसमें हमें नजर आते हैं फहाद फासिल, रोशन मेहती और दर्शना राजेंद्रन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है महेश नारायण ने। खैर बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट की, तो कहानी शुरू होती है जिमी और अनु से। दोनों ही दुबई में जॉब करते हैं और इनकी दोस्ती होती है एक डेटिंग ऐप के थ्रू। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जिमी प्रपोज करता है अनु को। उसके बाद जिमी के लाइफ में क्या कुछ होता है और कैसे फहाद फासिल के कैरेक्टर केविन की एंट्री होती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पर डायरेक्टर ने काफी रिसर्च करके और साथ साथ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जो यूज किया है एक ऐसी कहानी बताने के लिए जहां पर आपको लव भी देखने को मिलेगा और साथ साथ ऐसी ग्राउंड लेवल की सच्चाई देखने को मिलेगी जो मोस्टली हर कंट्रीज में होती है। और आपने इस तरीके की चीजें पहले भी कई बार न्यूज में सुन चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर जब आप इस मूवी में देखोगे एक अलग एंगल से जब डायरेक्टर ने पेश किया तो वो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। और वो टेंशन का जो माहौल उन्होंने क्रिएट किया ना इस मूवी में, वो ट्रॉड द वे आपको आपकी जगह से हिलने नहीं देता है। उसके अलावा इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो काफी नेल बाइटिंग है, और जो सेकेंड हाफ है जहां पर आपने जो इमोशनल मेलोड्रामा देखने को मिलता है वहां पर आप डेफिनेटली खुद भी इमोशनल फील करोगे। उसके अलावा बात करेंगे इस मूवी के कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर एक ही चीज बोलूंगा कि मूवी की लेंथ इतनी ज्यादा तो है नहीं जहां पर आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने मिले, लेकिन हाँ यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है उनको इतना रियल रखा कि आप खुद को उन कैरेक्टर्स में महसूस करोगे, या तो फिर आप कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर को अपने रियल लाइफ में जरूर देखे ही होंगे। और जिस तरीके से इस मूवी की शुरुआत होती है जहां पर हमें जिमी और अनु के बीच में जो वीडियो कॉल या जो चैटिंग देखने को मिलती है वो इतनी ज्यादा रियल महसूस होती है कि कभी ना कभी आपने भी इस तरीके की चैटिंग जरूर की होगी। और इसी वजह से ये फिल्म कुछ ही देर के बाद आपको फिल्म नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि आप रियल में जिमी, अनु और केविन इन कैरेक्टर्स को आंखों से देख रहे हो। उसके अलावा बात करेंगे इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी की, तो देखिए यहाँ पर एक ही चीज बता दूं वो ये है कि लॉकडाउन होने की वजह से उन लोगों ने इस मूवी को एक अलग वे में शूट किया। कह सकते हैं एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है जो एक ही चीज साबित करता है वो ये है कि भाई भले इंडिया में लॉकडाउन लग जाए लेकिन जो फिल्म मेकर है या जो क्रिएटिव माइंड है उन लोगों के दिमाग पे लॉकडाउन नहीं लगा, तो उन लोगों ने इस लॉकडाउन का भी फायदा उठाते हुए एक ऐसी मूवी आपके सामने पेश की है। यानी कि यहाँ पर आपको मूवी में ज्यादातर वीडियो चैट, मैसेंजर्स, ईमेल या तो फिर व्हाट्सएप, इंटरफ्रेंस ये सब चीजें के थ्रू आपको ये पूरी मूवी देखने को मिली, तो इस हिसाब से ये मूवी का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक हो जाता है। हालांकि कुछ ही दिनों पहले हमने एक और इंडियन वेब सीरीज देखी थी जिसका नाम था गॉन गेम, उसको भी कुछ इसी तरह से शूट किया था। हालांकि उसका कॉन्सेप्ट और इसके कॉन्सेप्ट में काफी जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों फिल्म मेकर्स ने अपना अपना जो क्रिएटिव माइंड यूज किया ना उसकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। उसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर बीजीएम की, तो यहाँ पर इस पूरी मूवी में जो बीजीएम है ना वो टेंशन क्रिएट करता है और स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको अलग अलग बीजीएम सुनने को मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दर्शना राजेंद्र की जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी लिखी है और उन्होंने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, स्पेशली जो इमोशनल पार्ट्स थे वहां पर आप उनके परफॉर्मेंस को देखकर खुद भी इमोशनल महसूस करोगे। उसके अलावा रोशन मैथ्यूज की तो एक ही चीज बोलूंगा कि यार उनका रोल इस मूवी में काफी हटके और उन्होंने भी अपने इस रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। लेकिन फहाद फासिल एक ऐसे एक्टर है जिनको कोई भी रोल दे दो वो अपने रोल में एक अलग ही शाइन होते हुए नजर आते हैं, और वैसे यहाँ पर भी इस मूवी में भी उनका जो रोल है वो इन दोनों के रोल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और वो इस पूरी मूवी में आपको शाइन होते हुए नजर आते हैं। उसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स थे हालांकि ना के बराबर तो उन सभी का काम मुझे अच्छा लगा। ओवरऑल इस मूवी का डायरेक्शन भी मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा और इस तरीके के डायरेक्टर्स होना चाहिए जो लॉकडाउन होने के बावजूद भी, यानी कि आपके पास इतने ज्यादा क्रू मेंबर्स है नहीं या ज्यादा आपके पास फैसिलिटीज है नहीं, आप बाहर जाके शूट कर सकते हो लेकिन तब भी आप इतनी अच्छी मूवी डायरेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही कमाल की बात है। ओवरऑल मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 4 out of 5। मुझे ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। आप लोग इस मूवी को आपकी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ ये मूवी आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू सून।